वैशाली लेक्चर आपका स्वागत करती हूँ। इसका उपयोग करने का है मास्क का और सैनिटाइज का। ओके, आगे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी। हमेशा की तरह मैं अलग अलग एक्टिविटी आपके लिए लेके आई हूँ। आगे का एक्टिविटी है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग बिना साहित्य और स्वसाहित्य कैसे करने का है ये हम लोग देखते हैं। अभी फर्स्ट एक्टिविटी है स्किपिंग। ओके, 10 times आप लोग जानते हो कि सर्किट ट्रेनिंग में एक एक्टिविटी 30 सेकंड करने का है और उसके बाद हमें 20 सेकंड का रेस्ट टाइम। तो एक एक्टिविटी होने के बाद रेस्टिंग टाइम है हमारा 20 सेकंड। ओके, थैंक यू। अभी रेस्टिंग टाइम, स्किपिंग खेव, स्किपिंग खेव। अभी हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है जंपिंग, स्पॉट जंप। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, up। अभी रेस्टिंग टाइम। ओके, अभी रेस्ट टाइम के बाद हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है साइड रनिंग। ओके, साइड रनिंग, हाँ रनिंग ऐसे, और एक राउंड। ओके, अभी रेस्ट टाइम। ओके, अभी नेक्स्ट एक्टिविटी है साइड जंप। दोनों हाथ साइड में से ऊपर क्लैप करते हुए हमें जंप करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। ओके, अभी रेस्टिंग टाइम। उसके बाद है आपको डक वॉक आएगा नहीं, जंप, नॉर्मल जंप करो बैठ के। ओके, रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो। ओके बच्चों, आपको भी एक एक्टिविटी होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना है, ये याद रखो। कंटिन्यू एक्टिविटी कोई भी नहीं करेगा। ओके, ठीक है, नॉर्मल जंप करने का है। यहाँ से चलो, यहाँ से वहाँ तक चलो खाली। ओके, यस, करेक्ट। ओके, थैंक यू। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारा रेस्ट करो थोड़ा। नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग करेंगे बच्चों फ्रंट रन और बैक रनिंग। ओके, 30 सेकंड तक हमें जगह पे भी हम लोग हाइनी का भी एक्शन कर सकते हैं, नहीं तो अगर जगह अवेलेबल है तो हम लोग फ्रंट रन और बैक रन ये दोनों करेंगे। ओके, हाँ रनिंग बैक ऐसे, हाँ स्टॉप आगे, नहीं नहीं सर कंटिन्यू, मागे पड़शील म्हणून मी सांगते। ऐसे आपको आगे पीछे रनिंग करते हुए 30 सेकंड रनिंग करने का है और एक्टिविटी का टाइम पूरा करने का है। ओके, ओके स्टॉप। ऐसे आपको एक्टिविटी करना है और एक्टिविटी होने के बाद नीचे बैठने का है, पलटी मार के नहीं बैठने का है, पैर लंबा करके बैठने का है आराम के पोजीशन में। आपको दोनों पैर थोड़ा सा डिस्टेंस रखने का है, हाँ, और हाथ पीछे रख देने का है और आराम करने का है। या जगह पे आप लोग हाथ रख सकते हो घुटने पे या अपने थाइज पे। ओके, थैंक यू बच्चों।